इस टीम तैयार होती है, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ जी, तो आप देखेंगे कि ये मेरी स्टीम तैयार हो गई है और ये स्टीम निकलना शुरू हो गया है और काफी दूर तक इसकी नोजल इफेक्ट डालती है। अब आप देखिएगा मैं कैसे सैनिटाइज करता हूं अपनी सब्जियों को। तो पास आइए मैडम। इतने टेम्परेचर पे और साथ में डिटॉल या कोई भी अल्कोहल डालने से इतने टेम्परेचर पे जब ये स्टीम जाएगा आपकी सब्जियों में, तो मेरे ख्याल से किसी भी सरफेस पे वायरस का बचे रहना नामुमकिन है। ये देखिएगा मैं कैसे अपनी सब्जियों को सैनिटाइज कर रहा हूं। बाद में आप इसे कहीं भी रखिएगा और जब भी आप इसे यूज करेंगे तो धोकर के यूज कीजिएगा। पर आप क्योंकि मार्केट से इमीडिएट लेके आए हैं तो कहां वायरस है ये आप जानते नहीं है। 5 मिनट का काम है अपने कुकर पे, गैस पे, और थोड़ा सा डेटॉल या थोड़ा सा अल्कोहल लेकर के पानी में मिक्स करके और इस तरीके से आप सैनिटाइज कर सकते हैं। आप देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से सैनिटाइज हो रहा है। इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे आप किचन को सैनिटाइज कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से आप किचन को सैनिटाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बर्तनों को सैनिटाइज कर सकते हैं, अपने बर्तनों को सैनिटाइज कर सकते हैं। इससे बेहतर सैनिटाइज करने का तरीका और मिलेगा नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत आते हैं पर ये इससे बेहतर तरीका मुझे मिला नहीं जो घर के अंदर अवेलेबल हो और जिसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है एडिशनल। तो आप सभी समझ गए होंगे कि थोड़ा दिमाग लगाने से हम लोग कैसे कोरोना से बच सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप मेरे इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे कोरोना से और सदा स्वस्थ रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।